देखिए ये वही दिल्ली है जब गुरु घर तोड़ा गया था तो सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा था। निर्दोष नहीं, निर्दोष होता थी बेटियां, गलत तो भी नहीं है, गलत होती थी दिन दिन तब नहीं बैठी। कौन है अपनी बदनामी सहने के लिए क्या यहाँ बैठेगा कोई है? ग्रेजुएशन गलत है इसलिए तो बैठी हुई है वो। दलित जब धरने पे बैठ जाए ना तो वो नक्सली बना दिया जाता है, जहाँ मुस्लिम बैठ जाए तो पाकिस्तानी बोलते हैं उसको, जहाँ सिख भाई बैठ जाए तो खालिस्तानी बना देते हैं। ये जाट और यूपी का मसला नहीं है, ये आतंकवादी जातिवादी आतंकवादी ने बहन बेटियों का शोषण करा है, ये उसकी लड़ाई है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और महिला पहलवानों का आंदोलन बीते 24 दिनों से चल रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप लोग आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो मांगे थी FIR की, उन मांगों को मान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और एक राउंड की पूछताछ आरोपी ब्रजभूषण सिंह से भी हो चुकी है। लेकिन वहीं जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने एक हफ्ते पहले ऐलान किया था कि अगर एक हफ्ते में महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता तो वे यहां पर आएंगे जंतर मंतर पर और यहीं पर महिला पहलवानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। कल चंद्रशेखर आज़ाद यहां पर आए हुए थे, यहां पर बैठ कर गए और अब बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे वे दिल्ली के जंतर मंतर आएंगे और आज भी वे अपना समर्थन देने का काम करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर लगातार आ रहे हैं, चाहे उदित राज हो, चाहे अधीर रंजन हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, राकेश टिकैत, अलग अलग संगठन के लोग लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? 24 दिन गुजरने को है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है आया अभी तक। सर ये विडंबना है भारत देश की कि यहाँ बहन बेटियाँ रोड पे बैठी है, सरकार अपने में मस्त है, ये बहन बेटियाँ रो रही है रोड पे और सरकार अंधी बहरी गूंगी बन के बैठी हुई है। सरकार को आप जगा देंगे? आप कह रहे हैं अंधी बहरी गूंगी बैठी हुई है, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचा देंगे क्या आप? तो जहाँ ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे वहाँ सबको झुकना पड़ेगा, ये भीम आर्मी की ताकत है, बहुजन समाज की ताकत है। 3-4 बार तो आ गए, कुछ नहीं हुआ, 4 कार्यकर्ता आपके हैं वही आ रहे हैं। देखिए 4 कार्यकर्ता नहीं, लड़ने वाला शेर अकेला ही काफी होता जंगल में। ये वे गिद्दड़ है जो सत्ता पे बैठे हैं, अगर इस डर से हम भी ना निकले 4 कार्यकर्ता, क्या वे वही अभी ताकतवर लोग हैं? अगर इस डर में रहेंगे तो कैसे ये दलित बहुजन समाज कैसे जीतेगा ये लड़ाई? बात 4 की नहीं है, बात है मान सम्मान की। जिसका मान सम्मान जिंदा है वो आज रोड पे है और जिसका मान सम्मान जो ताक पे रख के चल रहा है आज वे सत्ता पे बैठे शोषण कर रहे हैं भारत में बहन बेटियों का। मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ तो बेटी बचाओ ना, वे बोल रहे हैं बेटी बचाओ सेंगर से बेटी बचाओ और इनके ब्रजभूषण से बेटी बचाओ, उनका मैसेज साफ है भाई बेटी बचा लो हमें, लेकिन हमारे ही लोग नहीं समझ रहे तो फायदा क्या। लेकिन भीम आर्मी लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन ये तो लड़ाई हरियाणा वर्सेस ऑल इंडिया की है ना? देखिए दलित जब धरने पे बैठ जाए ना तो वो नक्सली बना दिया जाता है, जहाँ मुस्लिम बैठ जाए तो पाकिस्तानी बोलते हैं उसको, जहाँ सिख भाई बैठ जाए तो खालिस्तानी बना देते हैं। ये जाट और यूपी का मसला नहीं है, ये आतंकवादी जातिवादी आतंकवादी ने बहन बेटियों का शोषण करा है, ये उसकी लड़ाई है, आप समझिए बात। कानून लागू है देश में? देखिए कानून लागू नहीं है, जभी तो हमें बैठना पड़ रहा है, यहाँ आना पड़ रहा है। लागू नहीं है, सही चलाया नहीं जा रहा है, कानून को माना नहीं जा रहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब कह गए थे मैंने संविधान तो लिख दिया है, लेकिन ये जब तक सही हाथों में नहीं जाएगा, चलाने वाले सही नहीं होंगे जब तक संविधान नकारा निकम्मा ही रहेगा। मोदी जी तो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब को मानते हैं। देखिए बहुजन समाज की वोट चाहिए, इसीलिए बाबा साहब की फ़ोटो और भगत सिंह की फ़ोटो तो आज हर कोई लगा के घूम रहा, क्या उनकी विचारधारा है? उनके मन में विचारधारा नहीं है, आज भी यही है कि 15% वाला राज करे और 85% हमारा वो ही काम करे जिसके लिए पैदा हुआ, उनकी सोच जो है। बगल में जो है ब्रजभूषण सिंह का घर है, जो आरोपी हैं
वे अपने दफ्तर आते हैं और कहते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है सिर्फ बदनाम किया जा रहा मोदी जी को। देखिए, अगर बदनाम किया जा रहा है तो मोदी जी क्यों बैठे हैं चुप इस मसले में? भाई बहन बेटियों के लिए क्यों नहीं बोल रहे वे? उनकी मंशा यही है कि आए चुनाव, जीतना है चुनाव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनका। क्या कहेंगे मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं बुलंदशहर से आई हूँ समर्थन देने के लिए बेटियों के, जो गलत हो रहा है बेटियों के साथ में। ये लड़ाई जो है हरियाणा वर्सेस इंडिया की है। बदनाम किया जा रहा है दूसरों को, निर्दोष है कह रहे हैं खुद को। नहीं, निर्दोष नहीं, निर्दोष होता थी बेटियां गलत तो भी नहीं है, गलत होती थी दिन दिन तब नहीं बैठी। कौन है अपनी बदनामी सहने के लिए क्या यहाँ बैठेगा कोई? है ग्रेजुएशन गलत है इसलिए तो बैठी हुई है वो। 24 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया इनसे मिलने के लिए। प्रियंका गांधी आ रही हैं और तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं वे लोग आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं ना इसलिए इनका। सभी कहाँ रहे? बीजेपी कोई नहीं आया? नहीं, बीजेपी नहीं आई, बीजेपी पैसे वाली है इसलिए वे उसके लिए बचाया जा रहा है उससे, उसको ग्रेजुएशन के लिए बचाया जा रहा है ना, और सजा तो मिलेगी उसके लिए। भाई गलत तो गलत ही है ना। बुलंदशहर जिले में इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कि आप यहाँ तक आ गए? बुलंदशहर को ये भैया जैसा अत्याचारी को उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? सजा होनी चाहिए भैया। कैसी सजा? अरे बलात्कार की सजा होनी चाहिए, बलात्कार किया, शोषण किया। बलात्कार कहाँ किया, तो शोषण का आरोप है। शोषण किया है ना, शोषण तो किया, शोषण में वही आ जाता और क्या आता भाई, क्या आता बताइए। आप ही आपकी माँ बहन है तो आप बताइए, आप मीडिया में लेकर के भी चर्चा करते तो माँ बहन तो उनके पास भी है, ब्रज भूषण के पास भी है। तो माँ बहन होती तो ये वजह ये चीज नहीं करते, थोड़ा सा ना बहुत समझना, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। क्या कहेंगे सर आप? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे ऐलान तो कर चुके हैं और आज वो तीसरी बारी नहीं चौथी बारी यहाँ पे आ रहे हैं प्रेजेंट, और वो यहाँ पे आज धरने पे बैठने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जब उठेंगे, जब यहाँ से कुछ संविधानिक क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या होगा इस मुद्दे पे ना। संविधान को मानते हैं, कानून पर भरोसा है? हमें तो कानून पर भरोसा, तभी तो हम यहाँ पे बैठे। FIR हो गई है, पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, फिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि आंदोलन लंबा खींचे? आंदोलन लंबा ना खींचे, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस हो, क्लियर हो, पता चले वो अभी तक अरेस्ट कहाँ हुआ है, FIR तो हुई है ना। चाहते क्या आप? हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो और उसमें जस्टिस हो, कानून उसका पद छुड़वाए, वो अपने पद से इस्तीफा दे। अभी तक कमेटी को भंग कर दिया गया ना। कौन सी कमेटी को भंग कर दिया गया? जो कमेटी बनाई गई, जो जिसमें अध्यक्ष WFI को भंग कर दिया गया। भंग कहाँ किया, अभी तो पद पे है वो, ब्रजभूषण जी अपने पद पे बैठे हुए हैं, वो कहाँ भंग हुआ है? जब वो पद से हट जाएंगे तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। खबरें तो ऐसी आ रही हैं। खबरें आने से नहीं होता ना, पद से जाए अरेस्ट होगा, जब अरेस्ट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बताइए, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ है, पदमुक्त नहीं किया गया उनसे। तो कार्यकाल अगर खत्म हो, सुनिए, अगर कार्यकाल खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब वो पद पे है ही नहीं। देखिए, कार्यकाल उनका जो 2-2.5 साल का था वो एंड हुआ है, दोबारा दे देंगे उनको। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसा शोषणकारी, बलात्कारी महिला बेटियों को नोचने वाले को गद्दी ना मिले, सत्ता का दुरुपयोग ना करे दोबारा वो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस जो होते हैं वे जांच करें इसकी। हाथ में संविधान लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? निष्पक्ष जांच हो, बस हम तो यही कहेंगे कि जो भी हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और वो भी वो महिला जिन्होंने देश का नाम गौरव किया है, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। लगातार मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और पल पल की तस्वीर को, खबर को, अपडेट को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपको विजुअल दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये पहले आंदोलन बहुत छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये जो है कि बैरिकेड जो है ये भी लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो पहलवान हैं इनकी मांग यही है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए और ब्रजभूषण जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।